उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोकभवन में अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में अजातशत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में अटल जी की पहचान थी। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धेय अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रह करके संपन्न की और कर्म भूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से योगी ने कहा कि अटल जी की कविताएं, उनकी स्मृतियां भारतीय राजनीति के लिए उनके मूल्य व सिद्धांत सदैव एक नई प्रेरणा देती रहेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी का पैतृक गांव वह बटेश्वर है। उन्होंने उच्च शिक्षा कानपुर में रहकर पूरी की। अपनी एक पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वह उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद राष्ट्रधर्म और अन्य विचार परिवार के साथ जुड़कर एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सानिध्य में उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। सार्वजनिक जीवन का शुभारम्भ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर श्रद्धेय अटल जी को प्राप्त हुआ। लखनऊ संसदीय क्षेत्र का उन्होंने लगातार 5 बार संसद में प्रतिनिधित्व किया। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण का मॉडल कैसा होना चाहिए, ग्रामीण भारत में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। अंत्योदय की योजना को उन्होंने गरीबों तक पहुंचाने का काम किया। गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को
उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि अटल एक व्यक्ति नहीं विचार है, अटल एक जीवन नहीं संस्कार है। राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के लिए हमेशा स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महापौर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ महेंद्र सिंह, एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल, मुकेश शर्मा, विधायक नीरज बोरा व महानगर भाजपा अध्यक्ष आनंद द्विवेदी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।